लेकिन उपाय के लिए जरूरी है ये जानना कि आप पर असर कैसा होने वाला है। सभी राशियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कौशल जी, अगर हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं तो क्या असर उन पर हो सकता है? मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, वही नीच हैं 17 मई तक, और यही ऊर्जा के और देवी दुर्गा के ग्रह हैं, इन्हीं का असर होना और भाग्य स्थान और तृतीय भाव में ग्रहण का असर शुभ नहीं होगा कुछ समय के लिए, परंतु इस राशि में फिर भी ग्रहण का कई हिस्सों में जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, धन लाभ आपको होता रहेगा। संपत्ति, राजनीति और शिक्षा से जुड़े जो लोग हों उनके लिए मई तक का समय उत्तम रहेगा। मई से लेके वर्ष के कुछ और माह आगे, जैसे कि साल के अंत तक का जो समय है उसमें विदेश यात्रा, इसी समय में संपत्ति इत्यादि, राजनीति, खेल, चिकित्सा, सुरक्षा से जुड़े लोग, वित्त कानून से जुड़े लोग, उनके लिए भाग्योदय का समय होगा। परंतु माता के स्वास्थ्य, हृदय रोग, फेफड़ों से जुड़ी जो समस्याएं उनसे आपको सावधान रहना होगा। मई से वर्ष के अंत तक जो है विदेश प्रवास, विदेश में शिक्षा और यात्रा के आपको बनेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य, तो विशेषकर माता के स्वास्थ्य के लिए ये जो अब का ग्रहण है और 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य में दुर्घटना की आशंका, मधुमेह और अस्थमा के रोगी जो है ग्रहणों के आसपास विशेष रूप से सावधान रहें। मई के मध्य तक ग्रहण का असर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मई तक जो है मंगल ग्रह जो है नीच होने से, इसी राशि में ये कर्क राशि में मंगल है और इसी का स्वामी चंद्र जो ग्रहण में फंसा है। आचार्य वर, इसका उपाय क्या करें? ये देखिए श्रद्धा जी, 11 नीम के पेड़ लगाएं जी। और 40 शुक्रवार व्रत रखें। व्रत के रखने के लिए उनको वैभव लक्ष्मी का पाठ करें और व्रत में एक ही काम करें कि प्रातःकाल से सायंकाल तक कुछ न खाएं। सायंकाल व्रत जब तोड़ें अर्घ दे करके उसी समय भोजन कर सकते हैं। और इसमें विशेष बहुत बड़ा उपाय है कि नारी को कभी भी कुदृष्टि से न देखें, नारी को सम्मान की दृष्टि से देखें और घर में जो नारी जाते हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, माँ है, उसका सम्मान करें। और मंत्र का जाप, ये ग्रहण में साल तुम्हारा सही जाएगा अगर मंत्र जाप आपने सही कर लिया। ओम ह्लीं लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम ह्लीं लक्ष्मी देव्यै नमः, ये मंत्र का जाप कम से कम 1-1.5 घंटा जब तक ग्रहण काल है करें तो निश्चित है, और साल में एक माला कम से कम नित्य कर लेना चाहिए जी। कुल मिलाकर जितनी राशियों पर किस तरीके का असर हो सकता है, क्या उपाय है, वो हम बात कर रहे हैं कौशल जी। अब वृष राशि पर क्या असर होगा इसका? सीधा ही असर जो है ग्रहण का, एक तो पारिवारिक शांति, धन की स्थिति, प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन, इन सब में धन और परिवार के लिए मई तक का शुभ है। प्रेम संबंधों और व्यापार के लिए शुभ है। पैतृक और अर्जित संपत्ति में मई तक जो है इजाफा होता रहेगा। साल के अंत में तनाव चरम सीमा पर चढ़ रहा होगा, उसका कारण है मंगल शनि की युति और शनि इत्यादि का अस्त होना। सितंबर से लेकर अक्टूबर माह, नवंबर की 3 तारीख का तक का समय वो विशेष रूप से कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य पर असर, और विवाह से जुड़े निर्णय जो है विशेष करके मई से लेकर और नवंबर के बीच में टालना शुभ रहेगा। परिवार में अशांति पूरे समय बनी रहेगी। धन की हानि शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि के कारण हो सकती है। कला, साहित्य, वित्त, संगीत और कानून से जुड़े लोग जो है विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जब राशि का स्वामी शुक्र एवं बृहस्पति अस्त होंगे तो इन महीनों में अशुभ संस्कार, चौथे उठाले में विजिट करना या परिवार के लोगों का विवाह होना, यह संभव होगा। स्वामी जी, उपाय? जी, मैं 5 जामुन के पेड़ लगाएं और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार का व्रत रखते समय उनको केले का भक्षण नहीं कर, केला नहीं खाना है, और एक समय भोजन करें और बृहस्पतिवार की पूजा करें। गाय को गुड़ खिलाएं या केला खिलाएं और गाय का सम्मान करें और स्वयं केला ना खाएं। और घर में माला, अपने घर में जो बृहस्पतिवार का केले के पेड़ के नीचे घी का दीप जलाएं। और बिनर लिखा है, भगवान का मंत्र है, ओम क्लीं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो बृहस्पतये नमः, ओम क्लीं सर्व बाधा विनिर्मुक्तो बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें और निश्चित ग्रहण काल में जाप करें और हर दिन 2010 के हर दिन एक माला कम से कम जप करें।